नैनीताल की बात करें तो निगम ने मनमाने रेट पर जो दुकानदार सब्जियां बेच रहे थे उस पर लगान लगाने के लिए रेट तय कर दिए हैं और अब उसी हिसाब से अलग अलग सब्जियों के रेट ग्राहकों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर खबरें आ रही थी कि जो दुकानदार हैं वो मनमाने तरीके से सब्जियां बेच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर जरूर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बीच अब लोगों को राहत मिल सके और दुकानदार मनमाने दामों पर सब्जी नहीं बेच पाएंगे। नैनीताल जिला प्रशासन ने सब्जियों की कीमत तय कर दी है। अब हर सब्जी की अलग रेट लिस्ट आएगी और उसी हिसाब से सब्जियां उपलब्ध होंगी। 21 जुलाई से हल्द्वानी मंडी में रोजाना सब्जियों की रेट लिस्ट चस्पा हो रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। इस लिस्ट में टमाटर, करेला, आलू, प्याज समेत हरी सब्जियों के रेट फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन लिस्ट चस्पा होने के बावजूद भी सब्जी दुकानदार ग्राहकों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। टमा यहाँ क्या कहते हैं, हरी मिर्ची है 40 रुपए पाओ और ये कद्दू दे रहे हैं 50 रुपए के जी, वही बीन्स भी वही 50 रुपए के जी है, मतलब लूट मचा रखे हैं। मतलब महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। क्या लिया था आपने? मैंने तो कद्दू लिया, अभी करेले लिए। अच्छा। और अभी तो ये क्या कहते हैं बीन्स ही ले रखा है। अभी टमाटर के रेट पूछे तो कहीं 70 है, कहीं 80 है, कहीं 100 भी है। खाद्य आपूर्ति की टीम आज सब्जी की रेट लिस्ट चस्पा करने हल्द्वानी मंडी में मौजूद रही। टीम ने कहा कि सब्जियों की नई लिस्ट रोजाना मंडी में लगेगी, जिसके आधार पर सब्जी विक्रेता को सब्जी बेचनी होगी। मनमाने दामों पर किसी सब्जी दुकानदार ने सब्जी बेचने की कोशिश या मुनाफाखोरी की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम गठित की है अलग अलग विभागों की। हम फूड एंड सिविल सप्लाई से हैं, पूर्ति निमित्त रेणु त्रिपाठी कि हमें ये किया है कि मंगल पड़ाव क्षेत्र एरिया मंडी का दे रखा है कि यहाँ पर जाके ये जो मंडी से रेट निकले हुए हैं, मतलब अधिकतम रेट है, तो वो यहाँ पे चस्पा करने के लिए और यहाँ जागरूक करने के लिए। रोज चेंज होगी, पर डे चेंज होगी। सब्जियों की कीमतों में लगातार उछाल को देखते हुए कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला डालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक तरफ सिलेंडर महंगा हो गया है तो दूसरी तरफ किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है और अब सब्जियों के दाम उछाल मार रहे हैं। पहले दालों की कीमतें आसमान छू रही है, मसालों की कीमतें आसमान छू रही है, नहाने का साबुन जनता की पहुँच से दूर हो गए, कपड़े धुलने का साबुन यानी दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं थी वो सब जनता की पहुंच से दूर हो गई। अब एक विकल्प लोगों के पास जीने के लिए था, सब्जी, हरी सब्जी खाने के लिए, वो भी जनता की पहुंच से दूर हो गई। टमाटर कहीं 200 रुपए किलो है तो कहीं 150 रुपए किलो है, लहसुन 300 रुपए किलो है, अदरक 300 रुपए किलो है, आलू प्याज आसमान छू रहे हैं, लौकी बैगन खीरा सब कुछ जनता की पहुँच से दूर हो गया, तो जनता कहाँ जाएगी? अभी ये जो प्रशासन का आदेश आया है कि सब्जियों के रेट तय कर लिए गए हैं, उसके हिसाब से मंडी में जो विक्रेता हैं वो अपनी मनमानी तौर पर ही सब्जी को बेच रहे हैं और प्रशासन की लिस्ट का सब्जी विक्रेताओं पर कोई खास असर नहीं है, जिसको देखते हुए अभी जरूरी हो गया है कि सब्जियों के रेट को लेकर प्रशासन कोई सख्त एक्शन ले।